सीएनआरसी एनपीआर के खिलाफ मुमरा में शाहीन बाग की तर्ज पर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखें रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन अमित शाह नरेंद्र मोदी ने जो बिल लाए हैं नागरिकता संशोधन कानून, जिसके विरोध में महिलाएं ठान ली हैं जब तक सरकार कानून वापस नहीं ले लेती है तब तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। मुमरा के अग्निशमन दल के सामने मेक कंपनी के बगल में नागरिकता संशोधन कानून का एक तरफ महिलाएं और दूसरी तरफ पुरुष जमकर विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के नेता विद्वानों अब सवाल पूछने लगे हैं, कब तक होगा रैली देश में विरोध प्रदर्शन, ये पूछे जाने लगे हैं, ट्वीट किया जा रहा है। लेकिन जो समर्थन में हो रहे हैं रैलियां, ऐसा क्या हो रहा है, देश में 250 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और 1000 से ज़्यादा सभाएं करनी पड़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है इसमें नेता भी शामिल हैं और घर घर जाकर नागरिकता संशोधन कानून को समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है 130 करोड़ जनता का समर्थन हासिल है, तो फिर मोदी सरकार बीजेपी सरकार को इतनी रैलियां करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। अब ये भी देखना होगा आसाम में कितनी रैलियां सभाएं होती हैं जहां पर नागरिकता संशोधन कानून स्वरूप ही अलग है। अमित शाह अभी तक कई रैलियां कर चुके हैं लेकिन आसाम में अभी तक नहीं गए हैं समझाने को, बाकी कई जगहों पर रैलियां करने जाने वाले हैं। आप देखेंगे इन दिनों कुछ गोदी मीडिया सोशल मीडिया पर मुसलमानों को बहला फुसलाकर इस कानून यानी एनपीआर एनसीआर सीए का समर्थन वाली वीडियो बनाकर खूब वायरल कर रहे हैं। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर शाहीन बाग की तर्ज पर हो रहे प्रदर्शन, जो कभी मुस्लिम महिलाएं घर से बाहर नहीं निकली थी इस कानून ने उन्हें बाहर निकाल दिया है, सड़कों पर बैठा दिया है, लोग सड़कों पर बैठे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर, महात्मा गांधी की तस्वीरें लेकर अपने संविधान को बचाने के लिए। आज यही वजह है मुमरा शहर में महिलाएं पुरुष स्टूडेंट बच्चे सभी लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सीधा रुख करते हैं मेक कंपनी के पास जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ प्रहार टाइम्स के संवाददाता इस्लामुद्दीन खान जुड़ चुके हैं। इस वक्त रात के 12 बजने को हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है, क्या प्रदर्शनकारी अभी तक डटे हुए हैं, क्या जानकारी है? जी फिरोज, बिल्कुल जिस तरह से हमने आज जो मुमरा में जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है शाहीन बाग की तरह, जो है यहाँ भी महिलाएं जो है और पुरुष जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी रात हो चुकी है यहाँ पर और जो लाउड स्पीकर है वो भी बंद करा दिया गया है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर अभी भी तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर जो आज़ादी के नारे लगा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें किस तरह से आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं, जो पुरुष है वो भी आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से काफ़ी रात हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है बच्चों के साथ जो है यहाँ पर महिलाएं आज़ादी के नारे लगा रहे हैं और ये जो कानून है इस कानून के खिलाफ जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसी तरह से आप कह सकते हैं कि मुमरा शहर में भी बिल्कुल शाहीन बाग की तरह जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी तरह के तर्ज पर जो है यहाँ पर आज जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। आज सुबह से हमने जो है यहाँ पर देखा काफ़ी महिलाएँ आती रही और कुछ महिलाएं यहां से वापस भी गई, हालांकि एक महिला आती है तो दो महिला जाती है। इसी तरह से महिलाएं जो महिलाओं का जो है प्रोटेस्ट में जो है आना जाना लगा रहा है। खास बात यह है कि जो महिलाएं अभी आई हैं इनमें से ज्यादातर महिलाएं जो है वो अपने घर का सारा काम करके जो है उसके बाद इस प्रोटेस्ट में यहाँ शामिल होने के लिए आई हुई है और कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो यहाँ से गई हुई हैं अपने घर पे, वो अपना घर का काम पूरा करके उसके बाद जो है इस प्रोटेस्ट में या फिर दोबारा शामिल होगी। ये प्रोटेस्ट जो है इसी तरह से पूरी रात यहाँ पर चलता रहेगा। जिस तरह से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर, ये पूरी रात इसी तरह से प्रोटेस्ट चलेगा। बहरहाल काफ़ी रात हो चुकी है और अभी भी लोग यहाँ पर जो है काफ़ी तादाद में मौजूद है। जिस तरह से मुमरा शहर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट का ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि लोग जो है आएंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रोटेस्ट करने वाले महिलाएं और पुरुष, आपको एक बात और बताना चाहूँगा फिरोज, कि जिस तरह से महिलाएं जो यहाँ पर आई हैं
है, एक बड़ी तादाद में महिलाएं यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए आई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है, लगातार आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं और अमित शाह मोदी से जो है अमित शाह और मोदी के खिलाफ जो है नारे लगाए जा रहे हैं, उनसे आज़ादी की मांग की जा रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ की तिरंगा जो महिलाएं हैं वो तिरंगा यहाँ पर जो है लहरा रही है, तमाम महिलाएं यहाँ पर है जो तिरंगा लहराते हुए जो यहाँ पर है, तमाम महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं उनका भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो है देश इस कानून को लेकर जो है पूरी तरह से गुस्से में है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग किस तरह से ये नारेबाजी यहाँ पर कर नारे लगा रहे हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोग आज इसी तरह से यहाँ पर डटे रहेंगे? बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। हम चाहते हैं सरकार इसके खिलाफ जो इसने बिल लिया है उसको वापस ले और जनता की जो डिमांड्स है उसको पूरा करे। सुना आपने कि जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोग जो महिलाएं हैं पुरुष हैं जिस तरह से नारेबाजी हो रही है, इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ की जिस तरह से शाहीन बाग, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा जो आज मुंब्रा है वो एक शाहीन बाग बन चुका है। बिल्कुल दिल्ली का नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में है उसी तरह से यहाँ पर बिल्कुल शाहीन बाग का ये नज़ारा बन चुका है। कुछ कहना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। एनआरसी इट्स नॉट अ बिग थिंग, ये मुद्दा इसलिए बना, देखिए सबसे पहली बात है ना, काफ़ी सारी जीडीपी जो हमारे 2017 तक का है, दे ऑल हैव टू नो कि जीडीपी 2017 तक कितना अच्छा था एज कंपैरिजन अभी वो कितना डाउन हो चुका है। हम कहाँ से ट्रस्ट कर ले वो हमें, अगर इफ एनी हिंदू एनी क्रिश्चियन एनी जैन एनी मुस्लिम अगर उन्हें एनआरसी नहीं मिलती है वो कहाँ किसी को भेजेंगे? डिटेंशन कैंप में रखना इंसान की लाइफ पूरी आप स्पॉइल कर रहे हो। इतना पढ़ लिख कर हमें आज यहाँ पर आके क्या मतलब है? हमारे पेरेंट्स ने क्यों पढ़ाया हमें? आज कितनी औरतें वहाँ होगी जो प्रेगनेंट होंगी, कितनी औरतें वहाँ होगी जिन जो शादी की उम्र होगी, कितने बुजुर्ग होंगे? हाउ कैन दे लीव नथिंग एल्स? और एज पर ये मुस्लिम्स का कोई भी ऐसा मुस्लिम्स इंडिविजुअली नहीं है ऐसी होस्टली, ये सिर्फ और सिर्फ जो जिनके पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, जो रूरल एरियाज है सबसे ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पड़ने वाला है और कहीं नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जिस तरह से आपने सुना कि जो है महिलाएं जो है उन तमाम तरह का जो सरकार पर इस कानून को लेकर आरोप लगा रही है, जिस तरह से हम आपको दिखा दें कि जो ये प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है, जो प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है इस कानून के खिलाफ, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जिस तरह से जेएनयू और जामिया के छात्रों के साथ जिस तरह से मारपीट की गई थी उसके खिलाफ जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आज इस प्रोटेस्ट का जो है पहला दिन था। हालांकि जिस तरह से अंदेशा लगाया जा रहा था कि इस समय इस प्रोटेस्ट में जो है क्या लोग आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरह से आज सुबह से ही देखा जा रहा है कि लोगों का यहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हुआ और मुंब्रा का शाहीन बाग इसे कहा जाने लगा और इस शाहीन बाग की कहने शाहीन बाग की तरह जो है यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में महिलाएं पुरुष सभी यहाँ पर जो है मौजूद है, छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके हाथों में जो है तमाम तरह की लिखी हुई जो तख्तियां है, जो तस्वीरें हैं, जो जेएनयू के छात्र हैं उनकी तस्वीरें लेकर ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथों में इनके तिरंगा है जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सॉरी, क्या नाम है? संध्या संजू। कहाँ के रहने वाले हैं? मुलुंड, बॉम्बे। क्या कहेंगे आप जो सरकार जो एनआरसी CAA कानून लेकर आ रही है तो जिस तरह से इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे? जो ये विरोध प्रदर्शन मुंबई में आज मैं यहाँ पर नरीमन पॉइंट से आई हूँ। नरीमन पॉइंट पे यंग इंडिया का एक विरोध प्रदर्शन होने वाला था, दो दिन से परमिशन की कोशिश कर रहे थे, आज भी परमिशन की कोशिश करी, हमें नहीं दिया। इनफैक्ट हमें डिटेन कर लिया गया, 2-3 घंटा बिठाया गया और फिर छोड़ा गया। हमने हार नहीं मानी, हमें पता चला कि हमारे भाई लोग मुंब्रा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी आएंगे। एक चीज तो एनआरसी CAA के विरोध प्रोटेस्ट ने ये कर दिया है जाहिर कि हिंदुस्तान को नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक इंडिया को जोड़ दिया है। इधर के पहने हुए लोगों के कपड़ों से पहचानेंगे मोदी को तो कह लो कि मेरे हिजाब में पहनी हुई बहनों को पहचाने, मुझे पहचाने, मेरे तिरंगे को पहचाने, हम सबको पहचाने। ये कहना चाहूंगी मैं, ये रुकेगा नहीं। मैं और अपने लोगों को कहना चाहूंगी, मैं अपने भाई बहनों को कहना चाहूंगी, फ्रेंड्स को, फैमिली को, कलीग्स को, सबको, इस वक्त हमें दबाया जा रहा है, परमिशन नहीं दी जा रही है ताकि ये लहर कम हो जाए।
पर हम नहीं रुकेंगे, नहीं थमेंगे, एकजुट ये कारवां बढ़ते जाएगा। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये सरकार नहीं कहती कि हम इसे पीछे कर रहे हैं, हम सीए नहीं लागू होने देंगे, हम एनआरसी एनपीआर नहीं लागू होने देंगे, हमारी डिमांड है। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने सुना कि जिस तरह से ये जो है प्रोटेस्ट में जो शामिल है, ये मुंबई के प्रोटेस्ट में भी शामिल थी और इनका साफ कहना है कि जब तक सरकार इस कानून को पीछे नहीं लेगी तब तक इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल हम आप पुरुषों से बात करने के लिए कोशिश करते हैं, जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरह से लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर जो है काफ़ी नारेबाजी हो रही है। हम दूसरे तरफ चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक छोटे बच्चे को लेकर है, क्या नाम है आपका? शादाब नाम है। आप जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें क्या लग रहा है आपको कि सरकार जो ये कानून ला रही है बिल्कुल गलत है? बहुत सारा सरासर गलत है। इसमें हिंदुओं का, मुसलमानों का और फिर सिख मेरे भाई है, दलित भाई है, उन सबका सबका नुकसान है इसके अंदर। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जो प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है, जिस तरह से जेनो के छात्रों के साथ मारपीट हुआ था, जामिया के छात्रों के साथ हुआ था, तो क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो हमारा भी कोई मुद्दे के ऊपर कुछ बोलना, अगर कोई गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो हमारा राइट से हमसे पूछना चाहिए, उनसे हमारा ओपिनियन लेना चाहिए। अगर इतनी पब्लिक अगर उसको अपोज कर रही है तो उसे उसके लिए मॉडिफाई करना चाहिए वो लॉ के अंदर, ना कि ये बोलना चाहिए हमारे अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर ये बोल रहे कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। अब वो असेंबली में ये बोलते हैं कि हम ये प्रताड़ित लोग हैं, वहाँ के जो प्रताड़ित लोग हैं हम उनको ये सिटीजनशिप देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग जब वो बिल लेके बाहर निकलते तो ये बोलते हैं कि इसके लिए प्रताड़ित करके कोई अल्फाबेट ही नहीं है, तो हमको क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, ये क्या मसला है? ये खुल के ये गवर्नमेंट बताए कि एक्चुअली में मसला क्या है, ये बताने के बदले में खाली ये बोल रहे कि हम सीए और एनआरसी से पीछे हटेंगे नहीं, तो इसके अंदर पब्लिक तो परेशान होगी ना, पब्लिक को एक फियर तो आएगा ना कि भाई ये क्या कर रही गवर्नमेंट हमारे साथ में। तो हम कभी भी स्टूडेंट्स लोग के हाथ में यही होना चाहिए कि भाई स्टूडेंट्स एंड प्रोटेस्टर उनको राइट से क्या वो बोले, उनको बोलना चाहिए, और वो नहीं बोल रहे उनको दबा रहे पुलिस के थ्रू किसी तरीके से दबा रहे, उनको बदले में उनको परमिशन देना चाहिए वो जगह को, उनको वो सिचुएशन बनानी चाहिए, उनके जो पॉसिबिलिटीज है प्रोटेस्ट के लिए उनको वो करना चाहिए, ना कि उनको ये बोलना चाहिए क्या भाई तुम प्रोटेस्ट मत करो, प्रोटेस्ट करना एक राइट है हमारा, तो राइट्स को हमको यूज करने दो, इसके बदले वो यूज नहीं करने दे रहे। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं सरकार के खिलाफ, उनमें बेहद नाराजगी है, और जिस तरह से पूरे भारत में जो है सरकार की जो है इस कानून को लेकर काफ़ी किरकिरी हो रही है, इसी तरह के लगभग विरोध प्रदर्शन देश के हर जगह से इसी तरह से जो है आ रहे हैं। खासकर के हमने जो कहा है कि दिल्ली में शाहीन बाग में जिस तरह से महिलाएं और जो पुरुष प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तरह जो है यहाँ मुंब्रा में भी आज तो ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि ये प्रदर्शन जो है आज इसका पहला दिन था, 3 दिन तक ये विरोध प्रदर्शन 22 तारीख तक का ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है उन लोगों का कहना है कि अगर सरकार जब तक इस कानून को पीछे नहीं लेती, इस कानून को हटाती नहीं है, तब तक जो है ये प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी रहेगा, यानी 3 दिन का यहाँ इससे परमिशन है, लेकिन इसके बावजूद जो है इस प्रोटेस्ट को आगे भी जारी रखा जाएगा, ऐसा यहाँ के जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उन लोगों का कहना है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज यहाँ पर जो भीड़ देखने को मिली, यानी दिल्ली का जो शाहीन बाग है वो अब मुंब्रा में भी एक शाहीन बाग तैयार हो गया। बहुत शुक्रिया इस्लामुद्दीन खान जानकारी देने के लिए। हम आपको बता दें ये तस्वीरें देखकर ये लगता है इस प्रोटेस्ट में जो तस्वीरें सामने हैं, एक साथ लोग हैं, एक तरफ जो है आम जनता जो है मुंब्रा शहर की जो जनता है वो जो है इसी एक ही पंडाल में जो है एक तरफ महिलाएं दूसरे तरफ पुरुष अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस विरोध प्रदर्शन में जो है बैठे हुए हैं। ये भी एक मिसाल है मुंब्रा में संविधान बचाने के लिए नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।